नमस्कार, ये है दिव्य हिमाचल टीवी और आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। नजर डालेंगे अभी तक की कुछ चुनिंदा खबरों पर। ट्रक पिकअप में जोरदार टक्कर, दो घायल, ट्रक चालक फरार। बेसहारा छोड़ी लंपी वायरस से ग्रसित गाय, डीसी से शिकायत। कार में बरामद की अवैध शराब की पेटियां, नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने जब्त की दारू। ओपीएस को कर्मचारियों का क्रमिक अनशन शुरू, राहत न मिलने तक जारी रहेगा संघर्ष। सही वक्त पर ग्रांट का उपयोग करें स्कूल, प्रशिक्षण शिविर में अधिकारियों ने की चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। कालका शिमला NH5 मार्ग पर कंडाघाट के टिक्करी मोड़ के पास सेब ले जा रहे ट्रक व पिकअप में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि ट्रक चालक मौके से फरार है। जो युवक घायल हुए हैं उनमें पिकअप का चालक सौरभ व उसका साथी रजत शामिल है। दोनों युवकों को कंडाघाट अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए लाया गया है, जहां से दोनों को उपचार के लिए IGNC शिमला रेफर कर दिया गया है। हादसा आज सुबह हुआ, पुलिस की छानबीन में दोनों वाहन चालकों की इसमें गलती पाई गई है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। प्रदेश में महामारी के तौर पर पशुओं में फैले लंपी रोग से बढ़ रही मौतों के आंकड़े ने पशुपालन विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं कुछ पशु मालिकों द्वारा अपने पशुओं को बेसहारा छोड़ने में भी गुरेज नहीं किया जा रहा है, जो कि सबसे बड़ी शर्म की बात है। ऐसा ही एक मामला जवाली उपमंडल की कोटला पंचायत में मिला है, जिसमें किसी ने अपनी गाय को बेसहारा छोड़ दिया है और वह लंपी वायरस से ग्रस्त है, जो आने वाले समय में क्षेत्र के अन्य पशुओं को भी इस बीमारी से ग्रस्त कर सकती है। इस गाय के कान में टैग भी लगा हुआ है। टैग के अनुसार गाय का मालिक ज्वालामुखी से प्रतीत हो रहा है। लोगों ने DC कांगड़ा को व्हाट्सएप के माध्यम से व प्रदेश पुलिस ऑनलाइन हेल्पलाइन के माध्यम से मामले से अवगत करवाकर इस गाय के मालिक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस चौकी कोटला ने कोटला में नाकाबंदी के दौरान 3 पेटी अवैध शराब बरामद की है। चौकी प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 32 मील से कोटला की तरफ आ रही एक कार में अवैध शराब रखी हुई है, जिस पर कोटला पुलिस ने नाकाबंदी करके जब इस कार की चेकिंग ली तो डिग्गी में 3 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। संजय शर्मा ने बताया, पुलिस ने हरियाणा नंबर की गाड़ी व शराब को जब्त करके आरोपी मिलाप सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया है और छानबीन की जा रही है। लंबे समय से हो रही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरी न होने पर अब कर्मचारी क्रमिक अनशन पर उतर आए हैं। हमीरपुर में आज से 3 जिला के कर्मियों ने अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। अनशन पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि जब तक उनकी मांगों को सरकार पूरा नहीं करती, अनशन जारी रहेगा। आज शुरू हुए इस अनशन में हमीरपुर, ऊना तथा बिलासपुर के कर्मचारी शामिल हुए। नियमानुसार रोजाना 3 जिला के कर्मचारी यहां पर बैठा करेंगे। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ अपनी मांगों को लेकर अब पूरी तरह से मुखर हो गया है। देखिए, ये तो हम सभी लोगों का ये धन्यवाद करते हैं, चाहे वो BJP से जो हों, चाहे कांग्रेस से हों, जो भी हमारी विधानसभा में पुरानी पेंशन हेतु आवाज उठाते हैं। लेकिन अभी जो है वर्तमान सरकार हमारे बीच में है और हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ही अपने कार्यकाल में हमारी पेंशन को बहाल करें, और अगर वहाँ कुछ नहीं होता है तो फिर कर्मचारी आगे विचार करेंगे। सभी लोग पढ़े लिखे वर्ग है, खुद सोचेंगे। हम तो सीधा बात बोलते हैं कि जो पेंशन की बात करेगा वही हिमाचल प्रदेश में राज करेगा, और इस बार जो है वो वोट फॉर OPS की मुहिम भी हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्दी जी। देखिए, ये तो कर्मचारी वर्ग स्वयं ही समझदार है और हम तो उसी पार्टी के समर्थन में जाएंगे जो पार्टी हमारी पेंशन का प्रबंध करेगी। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान मंडी में आज समग्र शिक्षा का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जिला शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक, जिला शिक्षा उपनिदेशक उच्च, BPO और BEO ने भाग लिया। जिला परियोजना अधिकारी बलबीर भारद्वाज ने कहा कि इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में समग्र शिक्षा द्वारा की जा रही गतिविधियों पर चर्चा की जा रही है। इस वर्ष समग्र शिक्षा अभियान को दी जाने वाली ग्रांट को खर्च करने पर थोड़ा बदलाव किया जा रहा है और उस बदलाव को लेकर भी इस कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा की तरफ से स्कूलों को जो ग्रांट जिस काम के लिए दी जाएगी उसका उपयोग सही वक्त पर हो जाना चाहिए। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए सरकार और शिक्षा विभाग निरंतर प्रयासरत हैं। आज समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पूरे जिला के जो हमारे ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं और ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर है,
उनके लिए हमने विशेष रूप से एक दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा हुआ है। इस एक दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हम समग्र शिक्षा अभियान की सारी जो गतिविधियां हैं उनके ऊपर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जितनी भी ग्रांट्स इस साल आएंगी उनका जो खर्चने का जो थोड़ा सा बदलाव आया है उस बदलाव के बारे में भी इनके साथ चर्चा की जाएगी, ताकि जो हम समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जितने ग्रांट स्कूलों को जानी है उनका जो उपयोग है वो सही वक्त पे और जिस काम के लिए गया है उसके लिए वो हो जाना चाहिए था। आज हमारे जिला के जो मुखिया हैं, हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स हायर एजुकेशन और डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन, वो भी मौजूद रहेंगे पूरा दिन। और हम क्योंकि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और गुणवत्ता लाने का एक के लिए मुझे हमें ये जरूरी लग रहा था कि जो हमारे ब्लॉक लेवल के जो फंक्शनरीज हैं, ब्लॉक लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, उनको इस सारी गतिविधियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर हमारे BPOs और BEOs वेल वर्स्ड होंगे स्कीम के कार्यक्रमों के बारे में तो वो आगे के जो स्कूल तक का जो डिसेमिनेशन है वो सही हो सकता है। उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम हमारा सफल रहेगा। जय हिंद। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।